Hello students, welcome to this channel. Welcome to Infinity Career Coaching Institute. Infinity के दुनिया आप सभी का स्वागत है. जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, हमें क्वेश्चन दिया है. क्या करना? A particle is located at x equal to 0 at time t. जब initial time t था, particle किसी एक particular position पे था, और उस समय displacement 0 on positive x axis, positive x direction with a velocity दे रखी है हमें v dash. Where is v की जो वेरिएशन है अल्फा अंडर रूट एक्स दे रखी है. वेयर इसका मतलब है अल्फा एक कांस्टेंट है. देन के डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल टाइम के तो आपको फाइंड आउट करना है कि तो पार्टिकल है उसके टाइम के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट है. हमने कहा ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है एट एक्स इक्वल टू जीरो टाइम कितना है किसी पर्टिकुलर पोजिशन पे, टाइम भी जीरो दे रखा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है ठीक है. और वेरिएशन दे रखी है वी इज इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स ठीक है. अब हमें पता है अगर हमें टाइम में रिलेशन चाहिए वेलोसिटी क्या होती है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ डी एट डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट में कितना टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हुआ एडी वेलोसिटी होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम दैट इज इक्वल्स टू अल्फा अंडर रूट एक्स ठीक है. अल्फा अंडर रूट हमने कहा कि यहाँ पर हमें अगर टाइम का रिलेशन चाहिए तो एक काम करते हैं एक्स वेलेटा में एक तरफ कर लेते हैं, एक्स वेलेटा में एक तरफ कर लेते हैं. तो यहाँ से आएगा वन बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा कॉन्स्टेंट है इंटू डी टी. अब मुझे अगर एक्स चाहिए तो मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. इंटीग्रेशन कहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट कहाँ से जीरो से होता और किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स तक जाएगा हमें नहीं पता ठीक है. तो यहाँ पर फिर टाइम कितना है, टाइम जीरो से स्टार्ट होगा और पर्टिकुलर किसी पॉइंट टी तक पहुँचेगा ठीक है. ये अपनी इक्वेशन. अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स हमने अपने पास दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स की पावर टू है ठीक है. तो इसके इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्स की पावर माइनस टू ऊपर जाता है प्लस वन करते हैं और डिवाइड बाई सेम पावर आ जाती है प्लस कॉन्स्टेंट आ जाता है. इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं ठीक है. तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से करेंगे, यहाँ पर एक्स की पावर अंडर रूट का मतलब है एक्स की पावर कितनी वन बाय टू बाय ले लेता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स दैट इज वन बाय एक्स की पावर वन टू का मतलब वन बाय टू थी इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन अल्फा कॉन्स्टेंट है, अल्फा चेंज नहीं हो रहा, चेंज कर रहा टाइम और यहाँ पर कुछ नहीं था. मैं लिखता हूँ टी की पावर जीरो समथिंग पावर जीरो इक्वल्स टू वन ठीक. और यहाँ पर टी की पावर जीरो प्लस वन डिवाइड बाय जीरो प्लस वन ठीक है. अब लिमिट कहाँ से कहाँ था, जब लिमिट की वन हो टाइम यहाँ पर जीरो है जीरो से लेके ठीक है. यहाँ पर चल जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन करने वही नंबर ऐड वन प्लस वन ऐड होगा और सेम पावर नीचे आ जाएगी माइनस वन बाय टू प्लस वन. अब लिमिट लगेगी कहाँ से कहाँ पर, एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स तक दैट इज इक्वल टू अल्फा और यहाँ पे टी है ठीक है. अब फाइनली फाइनल लिमिट कितनी है टी, इनिशियल लिमिट कितनी जीरो जीरो बन जाएगा ठीक है. अल्फा इंटू टी मिलेगा ठीक है. यहाँ पर रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे कहता हूँ वन माइनस वन बाय टू तो हमें मिलेगा प्लस का एक्स की पावर वन बाय टू और नीचे भी कितना मिलेगा वन बाय टू मिलेगा और यहाँ पर लिमिट के यहाँ से कहाँ तक जीरो से लेकर एक्स तक है ठीक है. जीरो से लेकर अपर लिमिट मिलेगा, अपर लिमिट बोलते हो अपर लिमिट सेम एक्स है वही आ जाएगा यहाँ पर एक्स की पावर अंडर रूट बन जाएगा ठीक है. और यहाँ पे कॉन्स्टेंट है वन बाय टू तो मैं कह सकता हूँ टू बाई वन टू अंडर रूट एक्स आ गया ऊपर चल जाएगा माइनस जीरो पर चला था एक्स जीरो बन जाएगा इजी फर्स्ट रूट पॉइंट ओके. हमें क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैंने कहा यहाँ पे रूट है ये अपना बच्चा टू टू अंडर रूट एक्स है इजी फर्स्ट अल्फा एंड टू टी स्केयरिंग हो सकता है scaling both sides. अगर हमने बोर्डों में तरफ स्केयर कर दिया तो क्या फायदा होगा चेक करते हैं. स्केयरिंग बोथ साइड्स करने के बाद ये बन जाएगा फोर एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा स्केयर टी स्केयर ठीक है. तो हमें तो सिर्फ एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा स्केयर अपॉन फोर इंटू टी स्केयर ये रिलेशन चाहिए. हमसे पूछ रहा कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना एक्स है, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू क्योंकि यहाँ पर अल्फा स्क्वायर अपॉन फोर क्या है
इतना एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और कॉन्स्टेंट कौन प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी चले आएंगे, ठीक है। इसमें कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट का पार्ट कैसे अपना क्या, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप यू हैव टू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।